नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कांगड़ा और आप देख रहे हैं अपना चैनल एलपी हिंदी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राशन कार्ड ई केवाईसी की लास्ट डेट कब रखी गई है, क्योंकि आपको पता है कि राशन कार्ड की ई केवाईसी प्रत्येक कोटेदार के यहाँ हो रही है। आपको भी जाना पड़ेगा, अगर आप राशन कार्ड का उपयोग कर रहे हैं तो आपके घर में जितने भी व्यक्ति हैं, राशन कार्ड में जितने भी सदस्य हैं, उन सभी को ई केवाईसी करानी होगी। तो ई केवाईसी आप कब तक करा पाएंगे, इसकी लास्ट डेट क्या है, वो इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपको पूरा देखना है जिससे आपको ए टू जेड जानकारी समझ में आ जाए। पूरा डिटेल के लिए हम आपको ले चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों राशन कार्ड की ई केवाईसी की लास्ट डेट जानने के लिए हम आपको अमर उजाला की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर आए हैं। यहाँ पर एक आर्टिकल दिया गया है, राशन कार्ड ई केवाईसी लास्ट डेट 2024, अब मुफ्त राशन का लाभ ले रहे लाभार्थियों के लिए खाद्य एवं रसद विभाग की ओर से ई केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसको लेकर सरकार द्वारा डेडलाइन भी जारी कर दी गई है। देश में आज भी ऐसे गरीब लोगों की संख्या काफी अधिक है जिनको दो वक्त की रोटी ठीक ढंग से नहीं मिल पा रही है। हर साल बड़ी संख्या में कई लोगों की भुखमरी के कारण मृत्यु हो रही है। तो यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। हम बात करने वाले हैं कि लास्ट डेट क्या रखी गई है। राशन कार्ड धारकों की ई केवाईसी कराने की आखिरी तारीख 30 जून 2024 तय की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर 2024 कर दिया गया है। इस कारण आपको जल्द से जल्द 30 सितंबर से पहले अपनी ई केवाईसी करा लेनी होगी। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा अपडेट है। आज 23 सितंबर हो चुका है और अब अक्टूबर आने वाला, इसकी अभी 30 सितंबर तक ही लास्ट डेट है। अगर आपने 30 सितंबर तक अपने राशन कार्ड की ई केवाईसी नहीं कराई तो आपका राशन मिलना बंद हो जाएगा या आपका राशन कार्ड ब्लॉक कर दिया जाएगा। अब इसके विषय में सरकार आगे डेट बढ़ा भी सकती है या नहीं भी बढ़ा सकती है, ये डिपेंड करता है सरकार पर। लेकिन अभी जो राशन कार्ड की ई केवाईसी की लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2024 रखी गई है। तो दोस्तों देखा आपने कि राशन कार्ड की जो ई केवाईसी की लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2024 है, लेकिन हो सकता है इसकी डेट बढ़ाई जाए, क्योंकि अभी बहुत से ऐसे कोटेदार हैं या बहुत से ऐसे गाँव हैं जहाँ पर ई केवाईसी बिल्कुल नहीं हुई है। मैं अपने गाँव की बात करूँ तो हमारे गांव में अभी दोस्तों 20-30% ही ई केवाईसी हो पाई है। तो सरकार उम्मीद ये ज़्यादा है कि लास्ट डेट ज़रूर एक्सटेंड करेगी, बट ऐसा कुछ कहना इम्पॉर्टेंट नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं है कि सरकार करती है नहीं करती, डिपेंड करता है टोटली सरकार पर कि सरकार राशन कार्ड की ई केवाईसी का लास्ट डेट बढ़ाती है नहीं बढ़ाती है। अब राशन कार्ड की ई केवाईसी करनी कैसी है दोस्तों, इसके लिए आपको कोटेदार के पास ही जाना होगा। कोई भी ऐसा शॉर्टकट मेथड नहीं है जिससे आप घर बैठे ही ऑनलाइन ई केवाईसी कर पाएं, इसके लिए आपको डायरेक्ट कोटेदार के यहाँ जाकर के ई केवाईसी करानी होगी। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। और राशन कार्ड से संबंधित किसी भी प्रकार की अगर आपको समस्या है तो वो भी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।